जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां वचन। वचन कहता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुई इच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हम में है, यीशु मुझ में है। कुलिसियों 1:27 के हिसाब से यीशु मुझ में है, हालेलुया। लेकिन वो मुझ में क्या कर रहा है? उसकी इच्छा मुझ में है, उसके कार्य मुझ में सक्रिय हैं, लेकिन वो कब काम करता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। बाइबल में जो वचन हमने आज पढ़ा है, वो वचन हमें बताता है कि हमें सिर्फ इच्छा जाहिर करनी है कि हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। हमें सिर्फ इच्छा जाहिर करनी है कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। परमेश्वर जो हम में है, वो उसी पल सक्रिय हो जाएगा, उसका सामर्थ्य उसी पल सक्रिय हो जाएगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और हमारी हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। ये दोस्तों जान लीजिए, लेकिन हमारी इच्छा जरूरी है। परमेश्वर इसलिए हम में सक्रिय है ताकि वो हमारे द्वारा काम कर सके। विभिन्न नबियों को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर चाहता था कि हर नबी में परमेश्वर दिखे। यीशु मसीह धरती पर आया और यीशु मसीह में परमेश्वर देखता था। यीशु मसीह कहता है, जो मैं करता हूँ वो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, वो सब यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखते थे, लेकिन यीशु मसीह उनमें सक्रिय नहीं हो पाया क्योंकि वो यीशु मसीह को शरीर के रूप में देखते थे। यीशु मसीह उनमें काम करना चाहता था लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे। इसलिए पतरस ने इनकार किया। इसलिए वो दोबारा तिबरियास झील में गया और मछली पकड़ने लगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह पतरस में सक्रिय हुए, जैसे ही उसने जाना, जैसे ही उसने पतरस ने परमेश्वर की इच्छा को जाना और जैसे ही उसने अपने मन में ये वाचा बांधी कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा, वही पतरस जब लोगों के सामने आया तो 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वही पतरस जब उस मंदिर के फाटक से गुजरता है तो उस लंगड़े को चंगाई मिलती है। वही पतरस जब लोगों के बीच में से गुजरता है तो उसकी परछाई से लोग चंगाई पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा हो गई। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा काम करती है, अगर आप अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर जो आप में बसता है वो सामर्थ्य के द्वारा सक्रिय होगा और आपके अनुसार आपके द्वारा काम करेगा। शमूएल को परमेश्वर ने चुना। मूसा और यहोशू के बाद कोई नबी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने एक नबी चाहा और उसे नबी मिला हन्ना के द्वारा, शमूएल। शमूएल बचपन से परमेश्वर के चरणों में था और बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जो शमूएल कहता था वो होता था, उसका कोई वचन गिरता नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शमूएल में सक्रिय था और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, शमूएल उन्हें पहला स्थान देता था और परमेश्वर के द्वारा काम करता था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता था। उसने कोई अपनी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की जो उसके उसके परिवार के लिए हो, उसके लिए हो। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें अपने लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए जीना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की कृपा जो हम में है वो काम करे। वो तब काम करेगी जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगते हैं और परमेश्वर तेरी उपस्थिति जो हमारे भाई हमारे बहनों में है वो सक्रिय हो और सामर्थ्य के द्वारा उनके द्वारा तू काम कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।